भागवत या भगवान की कथा करवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खबरदार करने के लिए है। उसमें भी यदि पंडित युवा है तब तो और भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे कथावाचक की सनसनीखेज वानगी को बताने जा रहे हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी भी नौजवान कथावाचक को अपने घर में कथावाचन या भागवत सुनाने के लिए बुलाएं या नहीं बुलाएं। दरअसल मामला बुंदेलखंड के झांसी जिले का है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजौली पुलिस क्षेत्र में रहने वाले प्रकाश साहू ने अपने घर में भागवत कथा बैठाई थी। इस भागवत कथा को भक्तों को सुनाने के लिए भक्त प्रकाश साहू ने मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले युवा कथावाचक हर्ष वर्धन शर्मा को बुलाया। भागवत कथा को युवा कथावाचक से सुनने के लिए प्रकाश साहू के घर में महिलाएं और लड़कियां भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। जैसे जैसे भागवत कथा का सिलसिला आगे बढ़ा, वैसे ही युवा कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा का प्रेम प्रसंग कथा सुनने आई एक नाबालिग लड़की से होने लगा। दिन की भागवत कथा पूरी होते ही शातिर दिमाग कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा नाबालिग लड़की को एकांत कमरे में ले जाकर खुद को भगवान कृष्ण का रूप बताते हुए बड़े बड़े सपने दिखाने लगा। शातिर हर्षवर्धन शर्मा खुद को अविवाहित बताकर नाबालिग किशोरी को अपनी बीवी बनाकर हमेशा खुश रखने का वादा भी कर दिया। भागवत कथा खत्म होते ही कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा भागवत कथा की बिना दक्षिणा लिए ही नाबालिग किशोरी को अपने घर लेकर फरार हो गया। तो वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि उसके गुरु ने उसको शिक्षा देते हुए कहा था कि पंडितों को दो शादी करनी चाहिए और उसने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए दूसरी शादी की। प्रेमनगर थाने पर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा, जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष है, जो भिंड के रहने वाले हैं, इनको नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कथा करने के लिए बिजौली आए थे। कथा के दौरान ही अपने प्रेम जाल में नाबालिग लड़की को फंसाकर इसको भगा ले गए और भिंड ले जा कर के इससे शादी कर ली। करीब 6-7 दिन तो वहाँ पर इसको रखा था नाबालिग बच्ची को, फिर मौका पा करके भाग आई थी। जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि इनके गुरु ने इनको बताया था कि शास्त्र में लिखा है कि कथावाचक को दो शादी करनी चाहिए, इसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। तो इनको बताया गया कि IPC में कुछ और लिखा हुआ है और उसके अनुसार इन पर कार्रवाई की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जेल जाते समय अपनी प्रेमिका पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए कथावाचक प्रेमी हर्षवर्धन शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि जेल से छूटते ही मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं।